घर के दिन तेरे हवाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं नफीसा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सादान का क्या हाल है, कैसा है वो? वो भी बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी, कहिए। मेरी फैमिली में असल में एक शादी आने वाली है, मुझे उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह भेजने हैं। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, तो मैं सोच रही थी अगर आप अलिश्बा को इजाज़त दे देती हैं कि मेरे साथ शॉपिंग करवा दे तो। अलिश्बा को? जी, सादान ही हम दोनों को लेकर जाएगा। मुझे एक्चुअली कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है यंगस्टर्स की चॉइस का, तो अलिश्बा अगर साथ होगी तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल नफीसा, ज़रूर ले जाइएगा। आपने जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। खुदा हाफिज। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को हर बुरी नजर से महफूज रखे। नई जिंदगी का सफर बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू बाबा। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ अनचाहा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बहादुरी इसी में ही है कि सब कुछ बहुत हिम्मत से बर्दाश्त किया जाए। अब आप तो ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे मैं जंग पर जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कैफियत जानता हूं बेटा, लेकिन जैसे भी हालात हो खुद को हमेशा स्टेबल रखना। माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समन और तुम्हारे मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम दोनों की अकलमंदी और एक दूसरे की मोहब्बत ये फर्क मिटा देगी बेटा। मुझे अगले जहान में रूबी के आगे शर्मिंदा मत करना बेटा। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर समन से शादी करने का फैसला किया है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। जीते रहो।